तो दोस्तों, अल्लू अर्जुन की मच अवेटेड फिल्म पुष्पा, जिस फिल्म का अभी तक सिर्फ एक पोस्टर रिलीज हुआ है, एक पोस्टर ने ही इस फिल्म का जो बज़ है वो हद से ज़्यादा क्रिएट कर दिया है और इस फिल्म के लिए पूरा हिंदुस्तान एक्साइटेड है। अब दोस्तों, इस फिल्म की पब्लिक के बीच में कितनी डिमांड है, इसका अंदाज़ा हम इस बात से लगा सकते हैं कि इस फिल्म के जो थिएट्रिकल राइट्स है उसे खरीदने के लिए अभी से ही डिस्ट्रीब्यूटर की लाइन लग चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि किसी भी थिएटर में अगर फिल्म को चलाना है तो उस एरिया के डिस्ट्रीब्यूटर राइट को एक इंसान खरीदता है, उसके बाद में उस फिल्म को थिएटर में रिलीज किया जाता है उतने एरिया में। तो दोस्तों, अभी जहां पुष्पा फिल्म की जो रिलीज डेट है वो भी अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन पुष्पा फिल्म के थिएट्रिकल राइट्स खरीदने के लिए बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर पुष्पा फिल्म के मेकर्स को मुंह मांगी कीमत देने को तैयार है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि तेलुगु स्टेट में एक एरिया है निजाम, जहां पे अल्लू अर्जुन की फिल्म को दिखाने के लिए एक डिस्ट्रीब्यूटर ने पूरे 40 करोड़ रुपए का ऑफर दिया है। अब आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि 40 करोड़ रुपए बहुत बड़ी अमाउंट तो नहीं है, फिर इस पर वीडियो बनाने की क्या जरूरत थी। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज तक निजाम एरिया में किसी भी फिल्म को 40 करोड़ का ऑफर नहीं मिला है बिना ट्रेलर देखे। इससे पहले अगर 40 करोड़ रुपए में किसी फिल्म को खरीदा था तो वो थी प्रभास की साहो, RRR फिल्म, इसके अलावा बाहुबली 2। लेकिन दोस्तों, बाहुबली 2, साहो और RRR के बाद पुष्पा फिल्म एक ऐसी मूवी है जिस फिल्म का बिना कोई टीजर ट्रेलर देखे यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो पुष्पा फिल्म के मेकर को 40 करोड़ रुपए का अमाउंट देकर इस फिल्म को निजाम एरिया में खरीदना चाहते हैं। तो दोस्तों, इस बात से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि पुष्पा फिल्म के लिए पब्लिक के बीच में, साथ ही साथ एग्जीबिटर और डिस्ट्रीब्यूटर के बीच में कितनी ज्यादा एक्साइटमेंट है, क्योंकि दोस्तों फिल्म कैसी होगी इसका अंदाजा अभी कोई लगा नहीं सकता। उसके बावजूद भी इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूटर अभी से 40 करोड़ रुपए में खरीदना चाहते हैं, वो भी सिर्फ एक एरिया में से। तो दोस्तों, एक एरिया में ही अगर पुष्पा फिल्म 40 करोड़ रुपए में बिक जाती है तो ये कहना गलत नहीं है कि पुष्पा फिल्म ऑल इंडिया में सभी भाषाओं के अंदर लगभग 200 करोड़ रुपए में बिक सकती है। और अगर ये फिल्म 200 करोड़ रुपए में बिकती है तो फिल्म का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो तो हम सोच भी नहीं सकते। जी हाँ दोस्तों, हो सकता है कि पुष्पा फिल्म जितनी भी भाषाओं में रिलीज होगी उन सभी भाषाओं में ऑल इंडिया लगभग 300 से 400 करोड़ का बिजनेस बड़ी आसानी से कर सकती है। बस उम्मीद करते हैं कि फिल्म के जो डायरेक्टर है सुकुमार, वो पुष्पा फिल्म को एकदम धमाकेदार बनाए ताकि पुष्पा फिल्म अल्लू अर्जुन के करियर की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म बन जाए। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है अल्लू अर्जुन की पुष्पा फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कितने करोड़ की कमाई कर सकती है? अपनी राय आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और आपके अपने इस चैनल AKB मीडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें।